आया चुनाव, सज गए सितारों की सेना, पॉलिटिकल पर्दे पर कौन हुआ हिट, कौन रहा फ्लॉप। चुनाव आते हैं तो नेता ही नहीं अभिनेताओं के भी अरमान जाग जाते हैं। कोई अपने करियर की ढलती शाम को सुबह में बदलना चाहता है तो कोई इन सेलिब्रिटीज की लोकप्रियता की बदौलत अपनी पार्टी में जीत के आंकड़े बढ़ाना चाहता है। सियासत में सितारों की यही अमूमन कहानी है, उपयोग में कम आते हैं, इस्तेमाल ज्यादा होते हैं। हालांकि इन्हीं के बीच कुछ सितारों ने राजनीति में दिल ही नहीं दिमाग से भी काम लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का मैदान तैयार है तो फिल्मी सितारों की सेना फिर से सज गई है, लेकिन हिंदी पट्टी के फिल्मी सितारे क्या अभी राजनीति में भी संग्राम कर पाते हैं जैसा कि फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं? सवाल जितना रोचक है उतना ही विचारणीय भी है। वो गाना तो आपने सुना ही है, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, यकीन सियासी स्क्रीन पर इस फिल्मी सितारों में कोई स्टार है तो कोई बेकार है। बड़ा अनोखा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। सितारे महफिल की शान होते हैं और अपनी चमक बिखेरने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बता रहा है राजनीति की दुनिया को इन फिल्मी सितारों ने महफिल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आमतौर पर सिनेमा के पर्दे पर ये जुल्म अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक और महानायक बनते हैं और ढुशुम ढुशुम धाएं धाएं से सोसाइटी के खलनायकों को पल भर में धराशायी कर देते हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में इनका करिश्मा शायद ही कभी नजर आता है। लाइट कैमरा एक्शन तो होता है लेकिन रोल नहीं हो पाता। तो क्या सिनेमा के पर्दे के सितारे केवल जीत की गारंटी होते हैं? विकास के काम की गारंटी क्यों नहीं? क्या पॉलिटिकल पार्टी इन सितारों को केवल इसलिए टिकट देती है कि ये इनकी सीटों की संख्या को बढ़ा सके? मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कुछ नए सितारे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं तो कई पुराने सितारों ने अपनी नई पॉलिटिकल पिक्चर में दोबारा लाइट एक्शन कैमरा शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल कायम है, अगर जीत कर संसद पहुंचे तो इनका रोल क्या होगा? कौन कौन सितारे हैं मैदान में? कभी नेपोटिज्म और लॉबिंग तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में हासिए पर हिंदुइज्म के मुहिम चलाकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक सुर्खियों में रही सिल्वर स्क्रीन की क्वीन और थाईलैंड भी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि छोटे पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाकर घर घर में मशहूर अरुण गोविल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल ठोक रहे हैं। अगर ये दोनों सितारे जीत जाते हैं तो क्या अपने सार्वजनिक जीवन में भी उन संदेशों को कितना आगे बढ़ाएंगे जिसकी बदौलत इन्हें समाज में अपार लोकप्रियता मिली है? क्या कंगना संसद में पहुंचने पर भी नेपोटिज्म के मसले पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे या अरुण गोविल राजनीति में श्रीराम के आदर्श का उदाहरण देकर पेश कर सकेंगे, इसका इंतजार रहेगा। उधर छोटे मियां और हीरो नंबर वन गोविंदा ने सियासत की दुनिया में घर वापसी कर ली है। कभी राजनीति से तौबा कर चुके गोविंदा फिर से जोश में है। फिलहाल सिनेमा तो नहीं कर रहे, सोचा चलो सियासी पारी ही हो जाए, कुछ तो रिलीज होना चाहिए, बॉक्स ऑफिस ना सही बल्कि पिक्चर ही सही। उधर कुछ ऐसे नाम भी है जिन्होंने पिछले कुछ सालों से संसद से लेकर सड़क तक खूब चमक बिखेरी है, मसलन मथुरा से हेमा मालिनी, दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से मनोज तिवारी, गोरखपुर से रवि किशन, तो आसनसोल से बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी पटना साहिब से चुनाव लड़ते थे। लेकिन इन सितारे राजनेताओं का बतौर संसदीय पारी में आखिर योगदान क्या रहा, इस पर बहस की जा सकती है। क्यों मोह भंग होता है सितारों का? राजनीति के मैदान में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला छठे सातवें दशक से जारी है, लेकिन राजनीति से मोह भंग होने की कहानी भी कम नहीं है। तमाम लोगों को याद होगा फिल्मी पर्दे के महानायक कहे जाने वाले अपने दौर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने भी बड़े ही जोर शोर से अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से मुनादी करने के बाद उन्होंने पर्दे पर इंकलाब किया और पर्दे पर ही सारे भ्रष्ट मंत्रियों को भून दिया, लेकिन वास्तविक जिंदगी में जब तमाम तरह के आरोपों से घिरने लगे तो भावुकता हावी हो गई और राजनीति को अलविदा कहते हुए कर दिया मैं आजाद हूँ। अमिताभ बच्चन की तरह ही अपने समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और उनके स्टार बेटे सनी देओल भी राजनीति में आए लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा सके, ना संसद में उपस्थिति दिखी और ना ही सार्वजनिक जीवन में एक राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाई, बस पार्टी के लिए शोपीस बने रहे। सनी देओल ने हैंडपंप से लेकर बिजली के खंभे तक उखाड़ कर पर्दे पर पाकिस्तान को पस्त किया और बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सुनामी ला दी, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका सुपर फ्लॉप रही। धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती तो सनी देओल ने खुद की राजनीति में अनफिट बताया। हालांकि बतौर सांसद हेमा मालिनी यदा कदा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय नजर आती रही हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे सितारों की राजनीति में फुल टाइमर वाली संलग्नता हमेशा बनी रही है। जीते या हारे राजनीति से सक्रिय रिश्ता बनाए रखा और लोकतंत्र को मजबूती दी। जयाप्रदा ने भी राजनीति और समाज से लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखा, लेकिन सिल्वर स्क्रीन उमराव जान, रेखा बतौर राज्यसभा सांसद सदन से ज्यादातर बार नदारद ही रही। हाँ, वोटिंग के दिन लोकतंत्र में मतदान की प्रेरणा देने के लिए वो बूथ तक जरूर पहुंचती हैं और सही लगी उंगली भी कैमरे की तरफ दिखाती हैं ताकि हम सब भी वोट देने घर से निकलें। इन सितारों ने संसद में दिखाए दम। हालांकि इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है, सारे फिल्मी सितारों ने इस मोर्चे पर निराश नहीं किया है। इतिहास के पन्ने पलटे तो कई फिल्मी हस्तियों ने संसद के अंदर और बाहर सक्रियता बनाकर रखी है, उन्होंने जनप्रतिनिधि की माकूल भूमिका निभाने की चेष्टा की है। बतौर लोकसभा सांसद सुनील दत्त की पारी उत्साह जगाने वाली रही है, करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक तो वो सांसद रहे और जमीन से जुड़े रहने का पूरा प्रयास किया जिसकी सराहना की जाती है। सुनील दत्त मुंबई में बतौर जनप्रतिनिधि स्लम बस्तियों में जाकर सुधार के काम कर चुके थे, तो पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुंबई से अमृतसर तक की पदयात्रा की थी, एक जागरूकता अभियान चलाया था। वहीं राज्यसभा के तौर पर शायर, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का योगदान बहुत सराहनीय रहा है।
उन्होंने कॉपीराइट संशोधन कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उन्होंने मुहिम चलाकर फिल्म जगत के तमाम गीतकार और संगीतकारों के अधिकार की रक्षा करने वाले कानून में संशोधन करवाया, जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। राज्यसभा में कवि पृथ्वीराज कपूर भी कला और सिनेमा से जुड़े मुद्दे उठाते थे, तो आज भी जया बच्चन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बुलंद आवाज के लिए जानी जाती हैं।